दोस्तों आज आपको बोनस के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, बोनस दीपावली बोनस, जिसके बारे में बहुत से दोस्तों की मेरे पास जो है मैसेज आ रहे हैं, उनके बारे में मैं बोनस का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बोनस का वीडियो पूरा दोस्तों देखने को आपको मिलेगा। वीडियो के साथ आप तुरंत कंटिन्यू बने रहिए और आपको पूरा का पूरा इसमें जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा आपको मैं दिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा एक वीडियो में, एक एक स्टेप टू स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपका हमारे स्टडी विद आरसम चैनल में स्वागत है और मैं राधेश्याम मेहरा, और आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आया हूँ उसके बारे में पूरा देखिए। तो दोस्तों अभी आप नए हो तो हमारे इस चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब दबा लीजिए, इसको काला कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तब जब भी इस वीडियो अपलोड हो से इस चैनल पे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और फ़ायदा उठा सको। और दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको वीडियो में कहीं गुंजाइश लगती है कि अच्छा है, हमारे लिए कामयाब है, हेल्पफुल है, तो हम इसको लाइक कीजिए दोस्तों। और लाइक एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, ताकि हम नए से नए वीडियो इस प्रकार से बनाते रहें और आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए और एक एक स्टेप तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। और ये एक बात और बता दूं दोस्तों कि अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की अभी कोई ऑर्डर जारी नहीं है, या कल या परसों दो दिनों में ऑर्डर जारी हो सकते हैं, पूरी संभावना है ऑर्डर जारी होने की। ऑर्डर जारी होने के बाद में आपको बोनस का जो सिस्टम है वो मैं आपको बता दूं, वो बनाना है। लेकिन बोनस का पूरा सिस्टम वैसे ही रहेगा जैसे मैं आपको बताऊंगा, इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा, केवल ऑर्डर चेंज होगा। तो ऑर्डर आपको चेंज करना, वो ऑर्डर पेमेंट पे डाल दिया जाएगा 20 तारीख के बाद, और आपको मैं पूरा का पूरा इसमें बोनस का वीडियो बना रहा हूँ जो आपके सामने है। चलिए दोस्तों फटाफट बना लेते हैं वीडियो, आपको बता देते हैं पूरा प्रोसेस। प्रोसेस बताने से पहले दोस्तों एक बात और बता रहा हूँ कि आप हमारे फेसबुक पेज पे भी स्टडी विद आरसम सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, ताकि उस पर भी वीडियो मिलते हैं। और इसी प्रकार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी जुड़ सकते हो, आप जिस पे चाहो उस पर जुड़ना चाहो, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और PDF मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सको। दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले आपको पता है बिल प्रोसेसिंग में जाना होता है, बिल एलोकेशन कीजिए। तो फ्रेंड बिल एलोकेशन के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर जाइए फटाफट और यहाँ बिल एलोकेशन कीजिए। बिल एलोकेशन करने के बाद दोस्तों, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आप बोनस सेलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी में कुछ भी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट एड कैन 01 डालना है, और महीना अक्टूबर महीने के अंदर आप उठा रहे हो अक्टूबर महीने का, और यहाँ पर आप उसकी डेट डाल दो और बिल नंबर और है जो आपका ग्रुप, जिस ग्रुप का आप बना रहे हो, बिल में जो ग्रुप बना रखे हैं बजट ऐड के लिए, बजट उठाने के लिए उसके लिए, और आप कर दीजिए सबमिट। तो इसको फटाफट सबमिट कर दीजिए। चलिए ये आपका सबमिट हो गया, इसको ओके कर दीजिए दोस्तों। ओके करने के बाद आपको आना है यहाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ प्रोसेसिंग कहाँ से होगी। जैसे सैलरी और एरियर बिल अपन बिल प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं, आपको भी यहाँ आना होगा दोस्तों, जो अदर बिल आपको दिखाई दे रहा है यहीं से टीए बिल होता है, और नेक्स्ट बिल आपका मैं टीए बिल बनाऊंगा। तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आप बोनस सबसे पहले ही जो उसको सेलेक्ट करने के बाद में आप दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है बोनस डिटेल। और बोनस डिटेल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होने वाला है। तो ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया, यहाँ पर आपको करना है बिल नेम। बिल नेम के अंदर आपने जो आप पहले बिल जो क्रिएट किया वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बिल नंबर जो थे वो बिल नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लिया आपने। अब देखने वाली बात है प्रोसेसिंग होने दो इसको दोस्तों। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ये ऑर्डर दिए हैं, यहाँ पर ऑर्डर 2018 का फाइनेंस डिपार्टमेंट का आएगा, वो ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर 2017 का ऑर्डर है, मैं 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ऑर्डर में कुछ चेंजेज नहीं होगा, केवल यहाँ ऑर्डर ही चेंज होगा और कुछ नहीं, क्यों 6,774 रुपये ही बोनस मिलेगा, जो कि हमेशा पहले मिलता है, पिछली बार भी इतना मिला था, इसलिए इसमें कोई विशेष चेंज नहीं होगा। और ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो नीचे 100 दिखाई दे रहा है, तो ये ऑर्डर आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद आप शो बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, शो बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको एम्प्लॉय यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो इसी ग्रुप के हैं सारे के सारे एम्प्लॉय आपको शो हो जाएंगे। इसमें से किस एम्प्लॉय का आप बनाना चाह रहे हो, जैसे सभी का बनाना चाह रहे हो तो सभी को आप सेलेक्ट कर लो, जिस जिस एम्प्लॉय का इंडिविजुअल बनाना चाह रहे हो और ऑल यहाँ दबाओगे तो सभी ऑल ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप फिर आपको करना है यहाँ से प्रोसेस दोस्तों, तो यहाँ से प्रोसेस कर दीजिए। जैसे आप प्रोसेस करेंगे प्रोसेस हो जाएगा ये बिल, ये इस प्रकार से आ जाएगा बोनस सक्सेसफुली, ओके कर दोगे। ओके करने के बाद आपको जाना है दोस्तों इसी
रिपोर्ट के अंदर देख लेना है बिल इसका इनका हो गया कि नहीं हो गया। रिपोर्ट देखने के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि किसी भी रिपोर्ट का बिल आपको फाइनल निकालना है तो वो रिपोर्ट आप ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में ही निकालें, लेकिन चेक करने के लिए पहले चेक कर सकते हो कि बिल सही बना है कि नहीं बना उसके बारे में। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि रिपोर्ट में आप पहले चेक कर लें, तो चेक कर लेते हैं अपन फटाफट रिपोर्ट में जाके। तो रिपोर्ट में अपन चले जाते हैं, तो जैसे रिपोर्ट में जाएंगे यहाँ पर आपको कहाँ आना है, यहाँ पर ये देख लीजिए अदर बिल रिपोर्ट वाला यहाँ पर आना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको बोनस रिपोर्ट का सबसे पहला ऑप्शन ही ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ क्लिक दोबारा और करना है। क्लिक करने के बाद इसमें जो है आपकी ये पूरी पूरी सिस्टम जो है इनर आउटर आ जाएगा। इनर से चेक कर लीजिए सबका जो बोनस है वो सही बना है। इनर निकालनी है इसमें और आउटर निकालनी, दो ही निकालना है। इसमें शेड्यूल निकलेगा नहीं क्योंकि कोई कटौती नहीं होती, कटौती होती है जो डिडक्शन होता है उनके लिए आपका शेड्यूल निकलता है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद में पीओ सिलेक्ट कर लिया हमने, और जैसे पीओ सिलेक्ट करेंगे आगे जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाती है तो यहाँ पर आपका बिल नंबर में जो आपने बिल बनाया उस बिल नंबर को डाल दीजिए, और यहाँ पर निकालिए रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर इनर निकालना है आपको, तो इनर को शो कर दीजिए, और जैसे इनर को आप शो करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाता है, और डाउनलोड होने के बाद ओपन हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सभी एम्प्लॉयज़ का 6774 रुपये आ गए, इसमें कोई कटौती किसी प्रकार की नहीं है। तीन राउटर दोनों निकालने हैं, तो इसमें चार एम्प्लॉय का मैंने प्रोसेस किया, तो चार एम्प्लॉय का ये आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो चुका है। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका चेक। अब चेक करने के बाद आपको करना क्या है, चेक करने के बाद आपको वैसे मान लीजिए सही है कोई गलत नहीं है तो फिर आप बिल प्रोसेसिंग के अंदर जाइए, और बिल प्रोसेसिंग के अंदर जाने के बाद आपको डीडी फॉरवर्ड करना होता है। सबसे पहले अगला स्टेप होता है डीडी फॉरवर्ड, तो डीडी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर डीडी फॉरवर्ड कर दीजिए, डीडी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे डीडी पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और आपके सामने ये जो बिल है इसमें आपको बोनस सेलेक्ट करना है क्योंकि आप बोनस का बिल डीडी फॉरवर्ड कर रहे हो, ये यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में ये इस प्रकार से पीओ आ जाएगा, पीओ को सेलेक्ट करने के बाद आपका ये बिल आ गया जो बिल आपने क्रिएट किया था, तो वो बिल आ गया। अब यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट टिक मार करके और यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे, और जैसे इसको फॉरवर्ड कर देंगे फॉरवर्ड ये डिड सक्सेसफुली इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, इसको आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आगे वैसे प्रोसेस आपको आता है और अदर बिल जैसे करते हैं वैसे वैसे करना है, लेकिन फिर भी मैं पूरा बता देता हूँ। इसको आपको ऑथोराइजेशन में जाना है, और जैसे आप ऑथोराइजेशन में जाएंगे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है इसको आप यहाँ से ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अब ट्रेजरी फॉरवर्ड में जैसे कब क्लिक करेंगे इसी प्रकार से ऑप्शन इसमें से होंगे जैसे डीडी फॉरवर्ड में थे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर बोनस आ जाएगा। और बोनस आने के बाद में डीडी फॉरवर्ड में के बाद में आप बिल को रिवर्ट कर सकते हो खुद, लेकिन ट्रेजरी फॉरवर्ड के बाद में आप बिल को रिवर्ट नहीं कर सकते, फिर ट्रेजरी ही कर सकती है जहाँ आपको लेटर पेड पर लिख के देना पड़ेगा प्रिंसिपल के या फिर आपके जो डीडी उनके साइन होते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ सेलेक्ट करके जैसे यहाँ सेलेक्ट करोगे दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको अगर आपका एसएफ का बजट है या केंद्रीय बजट है जो भी बजट है उस बजट को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। जिस प्रकार से पीओ बजट वाले जो हैं जो एलिमेंट्री विभाग के जो पीओ के अंडर में जो कर्मचारी आते हैं उनको आपको पता है कि स्टेट फंड का उनके लिए 40% का रेशो होता है और सीए फंड का जो होता है उनके 60% का होता है, तो उस राशि को आप डिवाइड करके कैलकुलेशन करके यहाँ डाल दीजिए और इसको करना है यहाँ से सबमिट। क्योंकि चूंकि मैं इस बिल को सबमिट नहीं कर सकता यहाँ क्योंकि मैं ये आपको डेमो के तौर पे बना रहा हूँ बिल, ये बिल है मेरे फॉरवर्ड नहीं करना इसलिए मैं इसको कैंसिल करूँगा, तो आप इस प्रकार से सबमिट कर लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़ी आसानी से बोनस का बिल बना सकते हो, किसी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अलग अलग जो आपके ग्रुप बना रखे हैं बिल ग्रुप बना रखे हैं बिल नेम बना रखे हैं उससे प्रोसेस कर सकते हो, इसमें और किसी प्रकार की तकलीफ होने की मुझे संभावना नहीं लगती है। और सारी समस्याएं हैं वो मैंने आपको बता दी है। पे मैनेजर कभी कभी स्लो हो जाता है दोस्तों, तो आप इसमें टेंशन बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपको बिल प्रोसेस नहीं हो रहा है या शो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो आज का आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पे अधिक से अधिक ग्रो कर सके। और आप लोग दोस्तों की दुआ से जय हिंद दोस्तों।